आपका नाम? डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल। क्या आपका क्या डेजिग्नेशन है सर? मैं यूनाइटेड ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अभी गोल्ड ज्वेलरी पर 3% GST है और ये बात चल रही है कि ये GST जो है 2% और बढ़ा के 5% कर दी जाएगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो ज्वेलरी है वो भारत में मिडिल क्लास और निम्न वर्ग के लोग एज ए बचत के रूप में ज्वेलरी खरीद कर रखते हैं अपने पास, और उसका नतीजा ये होगा कि छोटे परिवारों से, मध्यवर्गीय परिवारों से ज्वेलरी दूर हो जाएगी। अगर 5% GST हो जाती है, 2% की बढ़ोतरी होती है, तो GST के अंदर आज का जो गोल्ड का वैल्यू है वो 50,000 है, उसके हिसाब से 2,500 इसके ऊपर GST हो जाएगी, तो गोल्ड की ज्वेलरी का मूल्य बढ़ जाएगा, और मूल्य बढ़ने से गरीब और मध्य वर्ग के पहुंच से ही बाहर हो जाएगी ज्वेलरी, और ये एक कष्टदायी निर्णय है सरकार का। सरकार को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए, इससे ज्वेलरी व्यवसाय को नुकसान होगा। और मैं ये समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ के करीब ज्वेलरी व्यवसायी हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6 करोड़ के करीब ज्वेलरी व्यवसाय का काम करने वाले लोग हैं, ये उनको बेरोजगार करने की तरफ सरकार का एक कदम है, जो एक तरह से मैं इसको कह सकता हूं ये हिटलरशाही कदम है। अच्छा, ये बताइए, क्या इस संबंध में आप लोगों ने किसी से ऊपर बात की? ये बात अभी अभी आज ही मेरी जानकारी में आई है, क्योंकि आज ही मुझे एक टीवी शो के द्वारा मुझे इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं इसके अंदर जल्दी अपनी यूनाइटेड ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की एक मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर निर्णय लेंगे, और इसका हम विरोध लेटर सरकार को भेजेंगे कि ना किया जाए, बल्कि हम सरकार के सामने एक मांग रखते हैं कि GST 3% से भी घटाकर 2% की जाए, क्योंकि ये इतनी हाई वैल्यू वाली मेटल है, या हाई वैल्यू का सब्सटेंस है हमारा सामान है, कि इसके ऊपर 50,000 के ऊपर 2% में भी 1,000 रुपये पर 10 ग्राम टैक्स मिलता है, तो ये बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू का एक माध्यम है, तो इसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, इसको खत्म ना किया जाए, ये टैक्स लिया जाना चाहिए इसके ऊपर, हम टैक्स देने के लिए तैयार है, हरदम तैयार। अच्छा, क्या गोल्ड के अलावा सिल्वर में भी GST लागू करना? हाँ, क्योंकि ज्वेलरी व्यवसाय के अंदर सिल्वर और गोल्ड दोनों के ऊपर ही 3% GST है, और 5% सर्विस टैक्स है इसके अंदर, तो इसके अंदर वैसे ही काफी बड़ा GST का पार्ट बैठता है, तो ये एक अच्छा वो नहीं है निर्णय।